नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होने के कारण। इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। जनतंत्रीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु देखा जा रहा है कि पिछले दशकों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि हुई है। इस विषय पर लैप्सन ने कहा है कि राज्य की प्रत्येक सेवा जो मतदाता उन्हें करने के लिए बाध्य करते हैं और प्रत्येक अतिरिक्त शक्ति जिसे राज्य प्राप्त करने के लिए आतुर रहती है, अंत गोत्वा कार्यपालिका के लिए ही लाभकारी सिद्ध हुई है। कार्यपालिका के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि होने के निम्न कारण हैं। इन कारणों का हम अग्र अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला कारण है, लोकसभा में बहुमत। लोकसभा में बहुमत शीर्षक के अंतर्गत कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है, अतः विधेयकों को अपनी इच्छानुसार पारित करा लेती है। कार्यपालिका को विधानमंडल के अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने के कारण उनके अपदस्थ होने की आशंका नहीं रहती, अतः वह अपनी नीतियों को भली भांति क्रियान्वित करने में सफल हो जाती है और देश उनकी नीतियों पर ही चलता रहता है। कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होने के कारण के अंतर्गत जो दूसरा कारण है, लोकसभा पर अंकुश। कार्यपालिका लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा भंग कराने में सक्षम है। लोकसभा यदि कार्यपालिका की नीतियों पर अनावश्यक तथा जनहित के विरुद्ध अवरोध डालने का प्रयत्न करती है तो शासन कार्य में रुकावट पड़ने के साथ ही देश की जनता का अहित होने की आकांक्षा भी उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए कार्यपालिका को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश करे और उसे भंग करा दे। इस अधिकार के कारण कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होने के कारण के अंतर्गत जो इसका अगला कारण है, कानून निर्माण। कार्यपालिका कानून निर्माण की आधारशिला है। कार्यपालिका विधेयकों को तैयार कराकर उन्हें विधानमंडल में प्रस्तुत कराती है और बहुमत के आधार पर उन्हें पारित भी करा लेती है। संसद में वे ही विधेयक प्रायः पारित होते हैं जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित होते हैं। निर्दलीय सांसदों के विधेयक उसी समय पारित हो सकते हैं जब उन्हें मंत्रिपरिषद का सहयोग एवं सक्रिय समर्थन प्राप्त हो जाए। इस प्रकार कार्यपालिका विधानमंडल पर छाया रहती है। अगला जो कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि का जो कारण है, मंत्रिपरिषद की न्यायिक शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होने के कारणों के अंतर्गत जो अगला कारण, मंत्रिपरिषद की न्यायिक शक्ति। कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां करती है। कार्यपालिका की इस न्यायिक शक्ति के कारण ही कार्यपालिका का महत्व बढ़ा है। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होने के कारणों के अंतर्गत जो अगला कारण है, साधारण योग्यता के व्यक्तियों का चुनाव। विधानमंडल जो व्यवस्थापिका के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति चुनावों के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, प्रायः पेशेवर राजनीतिक व्यवस्थापिका में चुने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों, आचरण तथा कम योग्यता से व्यवस्थापिका की गरिमा कम कर देते हैं। वे कानूनों की पेचीदगी समझने में असमर्थ होते हैं, अतः विधानमंडल में मूक दर्शक बने रहते हैं और मंत्रियों के रुख को परख कर ही मतदान करते रहते हैं। कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि के होने के कारण के अंतर्गत जो अगला कारण है, लोक कल्याणकारी राज्य। वर्तमान काल में राज्यों ने लोक कल्याणकारी राज्य का चोला पहन रखा है, अतः राज्य के कार्य बहुत अधिक
बढ़ जाने से विधानमंडल की शक्ति कम हो गई है और कार्यपालिका का महत्व बढ़ जाने से उसकी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होने के कारणों के अंतर्गत जो अगला कारण है, आधुनिक समस्याओं की जटिलता। वर्तमान काल में राज्य को अत्यधिक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए जिस विशेष ज्ञान अनुभव की योग्यता की आवश्यकता होती है वह कार्यपालिका के सदस्यों में ही होती है। व्यवस्थापिका के सामान्य योग्यता वाले सदस्य इन समस्याओं को सुलझाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इसके अंतर्गत जो अगला कारण है, नियोजन। वर्तमान काल में अधिकांश प्रगतिशील देशों में आर्थिक विकास के लिए नियोजन प्लानिंग को अपनाया जा रहा है, अतः योजनाएं बनाने तथा उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का कार्य कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। अगला जो कारण है, प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत आधुनिक काल में व्यवस्थापिका के कानून निर्माण कार्य में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। यह कार्य अत्यंत जटिल भी होता जा रहा है। इस स्थिति में व्यवस्थापिका अपनी इच्छा से कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को दे देती है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। इससे कार्यपालिका के कार्यों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का निर्माण विधानमंडल से ही होता है, किंतु व्यवहार में दलीय अनुशासन के कारण मंत्रिपरिषद विधानमंडल पर हावी हो जाती है। मंत्रिपरिषद द्वारा विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति के कारण कार्यपालिका की शक्ति एवं अधिकार पिछले दशकों में काफ़ी बढ़ गए हैं और विधानमंडल की शक्तियों तथा अधिकारों में ह्रास होने लगा है। अतः हमारा जो आज का अध्ययन था, कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होने के कारण, तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु थे उनका अध्ययन किया गया। धन्यवाद।